रामपुर टांडा कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के आदेश अनुसार लॉकडाउन चल रहा है। सब लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में कैद हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंस का भी जनता अब पूरा ख्याल रखने लगी है। इसी क्रम में आज टांडा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दड़ियाल के स्वास्थ्य इंचार्ज सुरेश कुमार गर्ग ने लोगों से अपील की कि वे कोरोना वायरस की इस महामारी में अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें, साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखें और समय समय पर बाहर से आते समय हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग व लॉकडाउन का भी ख्याल रखें, तभी कोरोना वायरस से जंग जीती जा सकती है। उन्होंने कहा कि आज लोग माननीय प्रधानमंत्री के आदेशों का पालन करते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा पूरा विश्व कोरोना मुक्त होगा और हम फिर से आजाद तरीके से अपनी जिंदगी यापन कर सकते हैं। मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, लॉकडाउन का पालन करें और गर्म पानी का सेवन करें। तरीके से अपनी सुरक्षा घर में रहेंगे तो ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। यदि हम इधर उधर घूमने का अनावश्यक घूमेंगे तो इस बीमारी को ना कि अपने घर ले जाएंगे बल्कि हमारे देश के लिए भी घातक सिद्ध होगा। हमारे काफ़ी स्थिति सामान्य है और यहाँ के लोग काफ़ी सहयोग भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कल कल करके, लेकिन अभी तक दरियाल चक्कर में कोई पॉजिटिव केस भी नहीं है। कोरोना के कोरोना से बचाव के संबंध में या फैलाव को रोकने के बारे में मैं देशवासियों से यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा सुझाए गए सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कीजिए, यही सबसे कारगर उपाय है। इसके अलावा इसको पूरे विश्व ने माना है, इससे ही सबसे बड़ा लाभ जनता को हो सकता है और हो रहा है। हमारे देश में आज जो इतनी तेज़ी से न फैलने का कारण यही है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल अधिक से अधिक मात्रा में कर रहे हैं।